नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर। जब चमड़ी पर खुरदुरे, लाल, कुछ उभरे हुए बड़े पैच बन जाते हैं जिनमें खुजली बहुत चलती है और कभी कभी खून भी निकलने लगता है तो इसे ही एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा वंशानुगत कीटाणुओं के कारण, इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी, वातावरण के प्रदूषण वगैरह की वजह से हो सकता है। आइए देखते हैं एक्जिमा के लिए कुछ सरल घरेलू उपचार। तीस मिलीलीटर नारियल के तेल में एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर अच्छी तरह मिला लीजिए। इसे एक्जिमा वाली जगह पर अच्छी तरह लगाकर छोड़ दीजिए। 5-6 घंटे बाद चाहें तो पानी से धो सकते हैं, या फिर इसे रात को सोने के पहले लगाएं और रात भर लगा रहने दें। रोजाना कम से कम 1 महीने तक ऐसा करने से एक्जिमा में बहुत फायदा मिलता है। तुलसी चमड़ी की बीमारियों के लिए बहुत अच्छी दवा है। 2 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस लीजिए। इसमें 2 चम्मच नींबू का रस अच्छी तरह मिला लीजिए। इसे रोजाना दिन में 1 से 2 बार तक एक्जिमा वाली जगह पर रुई की सहायता से लगाना चाहिए। साथ ही 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस रोजाना सुबह पीना भी चाहिए। इससे बहुत जल्दी एक्जिमा में फायदा मिलता है। ग्वारपाठा यानी एलोवेरा भी त्वचा के सभी रोगों में बहुत तेजी से फायदा करता है। एलोवेरा की पत्ती का एक छोटा टुकड़ा काटकर ऊपर से छिलका हटा लीजिए। अब इस पर 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालकर फैला लीजिए। इसे एक्जिमा वाली जगह पर दिन में 2 बार रब करना चाहिए। इससे त्वचा की हीलिंग तेजी से होने लगती है और एक्जिमा में बहुत तेजी से फायदा होने लगता है। आप ये सभी घरेलू उपचार हिंदी में हमारी वेबसाइट jaipurthepinkcity.com से प्रिंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही सरल घरेलू उपचार देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।